आखिर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत युद्ध में क्यों फूट फूट कर रोने लगे थे? महाभारत युद्ध में जब कर्ण को ये पता चला कि पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे हैं, तो फौरन पितामह भीष्म के पास जाते हैं और सूर्यपुत्र कर्ण अपनी नम आंखों के साथ कहते हैं कि हे पितामह, मैं अपने द्वारा जाने और अनजाने में किए गए सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। पितामह अपनी आंखें खोलते हैं तथा कर्ण का हाथ एक पिता की भांति पकड़ते हुए कहते हैं कि वत्स, तुम सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हो तथा तुम अर्जुन की भांति पराक्रमी योद्धा हो, और यदि तुम मेरा प्रिय चाहते हो तो तुम अपने भाइयों के साथ यानी पांडवों के साथ मिलकर युद्ध करो। तब कर्ण कहते हैं कि पितामह, मैं आपकी ही भांति प्रतिज्ञा बाद तथा मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो दुर्योधन के लिए हानि कर। फिर पितामह कहते हैं, यदि तुमने निर्णय ले ही लिया है तो तुम मेरी आज्ञा पाकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध करो। पितामह से आज्ञा मिलने के बाद कर्ण अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए कौरव शिविर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय गंगा पुत्र भीष्म लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।